जय हिंद वंदे मातरम साथियों, अत्यंत दुखद खबर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बढ़नपुर गांव निवासी बीएसएफ के जवान शिव बहादुर सिंह बांग्लादेश बॉर्डर पर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। शहादत की सूचना परिजनों को मिलते ही घर में कोहराम मच गया व गांव में शोक की लहर छा गई। माँ भारती के लाल ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शहीद शिव बहादुर सिंह प्रतापगढ़ जिले के बढ़नपुर गांव के रहने वाले थे। वे बीएसएफ में एएसआई पद पर तैनात थे। वहीं ड्यूटी के दौरान आकस्मिक उनका निधन हो गया। शहीद एएसआई शिव बहादुर सिंह के पार्थिव को सेना के बेस कैंप में आज श्रद्धांजलि दी गई। वो सेना के आला अधिकारियों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किया गया। तत्पश्चात उनके पार्थिव को ससम्मान उनके पैतृक गांव बढ़नपुर के लिए रवाना किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बढ़नपुर गांव के रहने वाले बीएसएफ के एएसआई पद पर तैनात शिव बहादुर सिंह ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनके पार्थिव देह कल सुबह इनके पैतृक गांव बढ़नपुर पहुंचेगी, जहां पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात एएसआई शिव बहादुर सिंह ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर किया है। अपर समाचार यूट्यूब चैनल इनकी शहादत को सलाम करता है और इनके सिर चरणों में कोटि कोटि नमन करता है। शहादत की सूचना के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है व गांव में शोक की लहर छाई हुई है। उत्तर प्रदेश का लाल बांग्लादेश बॉर्डर पर वीरगति को प्राप्त हो गया है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के बढ़नपुर निवासी बीएसएफ के जवान शिव बहादुर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। दुखद सूचना है साथियों, जैसे ही शहादत की सूचना मिली है क्षेत्र में कोहराम मच गया। वहीं कल इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां पूरे राज्य के व सैन्य सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद के पार्थिव शरीर को आज सेना के बेस कैंप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कल इनके पार्थिव को इनके निवास स्थान पहुंचाया जाएगा। शहादत की सूचना के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है व क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। आप और हम घरों में इसीलिए सुरक्षित है कि देश के वीर सैनिक देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, और आज देश में इसीलिए हम आम नागरिक आज चैन से अपने घरों में बैठा है। आए दिन देश के वीर जवान देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के वीर जवान भी देश के लिए रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरह धरती को नमन करते हैं जिन पर ऐसे बहादुर बेटे जन्म लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।